प्यारे बच्चों, आज हम क्लास ट्वेल्थ को इतिहास के बारे में बताएंगे कि इतिहास क्या है। तो आज क्लास तो आज हम इतिहास के अंतर्गत लेसन दो मौर्यकालीन व्यवस्था के बारे में बात करते हैं कि मौर्य काल जो प्रारंभ होता है वो ईसा पूर्व में होता है, यानी ईसा पूर्व और ईसवी का मतलब क्या होता है। पहले ये समझ लीजिए कि ईसा पूर्व और ईसवी, ईसा मसीह से के जन्म से पहले की जो घटना है उसको हम ईसा पूर्व कहेंगे। यानी जो ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था, ईसा मसीह वो जीरो पीरियड में हुआ, यहाँ पर ईसा मसीह से जन्म हुआ, तो इससे पहले की जो घटनाएं हैं वो घटते क्रम में आती हैं, घटते क्रम। और ये ईसा पूर्व होता है, इसके बाद की जो घटनाएं होती हैं वो ये बीसी होती है और ये ईसवी यानी एडी, एडोनोमी, ये इसको बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट, और ये एडी आफ्टर डेथ, ईसा मसीह की मृत्यु के बाद जो पीरियड होता है। तो मौर्यकालीन जो व्यवस्था थी वो ईसा पूर्व में थी, और जो मौर्यकाल जो शब्द आया है ये जो चंद्रगुप्त जो मौर्य थे वो संस्थापक थे, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, इनकी माता का नाम मुरा था, मुरा। तो इतिहासकार कहते हैं कि माता के नाम मुरा होने के कारण जो मौर्य काल था वो मौर्य कहलाया। कुछ इतिहासकार ये बताते हैं कि उस पीरियड के अंतर्गत मूर ज़्यादा थे इसलिए ये मौर्य शब्द पड़ा। अब बात आते हैं कि जब भारत पर चंद्रगुप्त मौर्य जो था एक बहुत ही इससे बहुत नाजुक स्थिति से गिरा हुआ था। एक बार क्या हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य एक राजकिलम खेल खेल रहा था, तो वहाँ से जो कौटिल्य था वो वहाँ से गुजरा और कौटिल्य ने उसको देखा, तो वो राजक्रम खेल रहा था, राजा का खेल होता है राजक्रम, तो उसने उससे पूछा, शिकारी के पास था चंद्रगुप्त मौर्य, तो उसने कहा कि भाई इसकी क्या कीमत है, तो उन्होंने कहा 1000 किलम। तो कौटिल्य ने 1000 कलम जो उसको निकाल के दिए और इस प्रकार से खरीद लिया, क्योंकि कौटिल्य का एक उद्देश्य था, कौटिल्य को चाणक्य कहते हैं, क्योंकि मौर्य वंश के इतिहास को जानने के लिए मेगास्थनीज की इंडिका, जो मेगास्थनीज था, मेगास्थनीज जिस पुस्तक लिखी थी इंडिका, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। इंडिका, इंडिका जो पुस्तक थी ये मेगास्थनीज लिखी, ये सेलुकस का राजदूत था, सेलुकस
तो एक बार क्या हुआ कि कौटिल्य को जो नंदवंश था, नंदवंश के शासक घनानंद ने उसकी चोटी पकड़ कर घुमा दिया था, तो उससे बदला लेने के लिए, घनानंद से बदला लेने के लिए उसने चंद्रगुप्त मौर्य को चुना। तो इस प्रकार से उसने अपनी पूरी जो व्यवस्था थी वो की, और इस आधार से उसने जो मौर्य वंश का जो संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य, उसको तैयार किया। तो इस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य ने संपूर्ण भारत पर आक्रमण किया, और उस पर जो अधिकतर जो पूर्वी पश्चिमी जो क्षेत्र थे वो विजित किया। पश्चिमी क्षेत्र में अफगानिस्तान एरिया, हेरात, अराकोसिया, काबुल को विजित किया, और विजित करने के बाद उसने पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह चंद्रगुप्त मौर्य का जो हुआ वो सेल्यूकस की पुत्री जो हेलेना थी, हेलेना, और सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को 5 प्रांत दहेज में दिए थे, हेलेना से शादी की गई थी। तो इस प्रकार ये भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैरिज थी, जिसके द्वारा एक वैवाहिक संबंध के द्वारा एक साम्राज्य विस्तार की नींव रखने की एक पहली भारत की एक सोच थी। तो इस प्रकार से आगे गुप्त काल में प्रभावती गुप्ता, वाकाटक वंश में भी, और ये कई ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं कि साम्राज्य विस्तार के लिए वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए, जैसे अकबर के द्वारा भी वैवाहिक संबंध स्थापित किए, समुद्रगुप्त के द्वारा, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा ये किए गए थे। तो इस प्रकार से जो चंद्रगुप्त था उसका शासन व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण थी, यानी उसने संपूर्ण साम्राज्य को एक छत्र के नीचे बांध दिया था। तो पूरी जो व्यवस्था थी मौर्य काल की, तो इस प्रकार से मौर्य वंश के बाद, इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका पुत्र जिसका नाम था बिंदुसार, बिंदुसार गद्दी पर बैठा। बिंदुसार के शासनकाल में डाइमेकस राजदूत इसके दरबार में भेजा गया, और इसने भी इसके अफगानिस्तान, ईरान, काबुल से भी संबंध अच्छे थे, और इसके कारण में भी मौर्य काल का एक उच्च दृष्टिकोण से विकास हुआ। बिंदुसार के बाद जो महत्वपूर्ण जो शासक माना जाता है जिसका नाम था अशोक, के बारे में सुना होगा, सम्राट अशोक एक महान शासक हुआ है, संसार में सबसे महत्वपूर्ण शासक माना जाता है, और भारत में जो महान और हुए हैं, अकबर महान हुआ है, एक सिकंदर महान हुआ है, जो अफगानिस्तान ईरान का था जो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, उसने भारत पर 326 ईस्वी में आक्रमण किया था, 326 ईसा पूर्व यानी BC के अंतर्गत आक्रमण किया था। तो इस प्रकार से ये आक्रमण करके चला गया था। इसके बाद मौर्य वंश ने उसके संबंध पर स्थापित रहे, बाद में इस प्रकार अशोक का शासन आता है। अशोक 269 के करीब में गद्दी पर आसीन हुआ। ये बताते हैं कि अशोक के 99 भाई थे, उनकी ये कल्पना है कि उसने अपने भाइयों की हत्या करके गद्दी आसीन की। तो इस प्रकार से वो महान अशोक भारतीय इतिहास का एक सबसे महत्वपूर्ण शासक, उसकी एक नीति, उसने सिर्फ एक युद्ध किया था, कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व, जो महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है। कलिंग, वर्तमान में कलिंग जो है वो उड़ीसा को कहते हैं, उड़ीसा था आज जो उड़ीसा है उसको कलिंग कहा जाता। अब कलिंग पर आक्रमण करने का मेन उद्देश्य क्या था, उसका जो मेन उद्देश्य था वो अशोक की मणि मूर्ति चुरा ली गई थी, जो वहाँ के शासक
जो कलिंग का जो शासक था महापद्म नंद नंद दूसरा सॉरी जो चेदी वंश का था, तो उसने वहाँ की मणि मूर्तियाँ चुरा ली थी, जिसके कारण उस पर आक्रमण किया गया था। दूसरा कारण व्यापार के लिए, यानी व्यापार सबसे ज़्यादा था। दूसरा हीरे की खाने थी, हीरे की खाने। दूसरा वहाँ हाथियों के लिए प्रसिद्ध था कलिंग, हाथियों के लिए, हाथियों के लिए, यानी हाथी सबसे ज़्यादा थे, इसलिए अशोक वहाँ पर आक्रमण करना चाहता था। इसलिए पूरी तरह से उसने कलिंग में आक्रमण किया 261 ईसा पूर्व में, और वहाँ पर कई लाख व्यक्ति हताहत हुए, लाखों व्यक्ति हताहत हुए। अशोक इन हत्याओं, इन व्याकुलता को देखकर उसका जो वो मन था वो द्रवित हो गया, और उसने पश्चाताप किया कि मैं जीवन में अब कोई युद्ध नहीं करूँगा। उसने प्रण कर लिया था कि युद्ध किसी भी समस्या का विकल्प नहीं है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो धम्म की नीति, यानी धम्म के आधार से उसने अपने को अपने में वो कर लिया, और इस प्रकार से उसने इस संसार में एक एक नया नाम रोशन प्राप्त किया, जिसके नाम से उसकी जो नीति जानी जाती है वो धम्म की नीति, धम्म, धम्म की नीति। देखिए यहाँ पर धम्म का जो अर्थ है वो धर्म से नहीं है, नॉट रिलीजन। द मेन फंक्शन ऑफ ह्यूमैनिटीज, यानी मानवता के कार्य। धम्म का मीनिंग होता है मानवता के कार्य करना, मानवता के कार्य। उसका जो मेन फोकस था, मेन मोटिव था, वो जनता की भलाई करना। सबसे पहले उसका एक जो धम्म के आधार से उसने जो वो प्रारंभ किया अपनी नीति, वो थी शिलालेखों के माध्यम से उपदेश देना। शिलालेख उसके संपूर्ण भारत में, विदेशों में भी उसके कई अभिलेख हमें मिले हैं। जैसे बताते हैं कि उसके निगलिवा अभिलेख है, और उसका सहवाजगढ़ी जो अभिलेख मिले हैं उसके टोपरा अभिलेख, टोपरा अभिलेख, दूसरा सहवाजगढ़ी का अभिलेख, का अभिलेख, तीसरा रूपनाथ नाथ का अभिलेख, कालसी का अभिलेख, अभिलेख, इनके माध्यम से उसने शिक्षा दी। रुमनदेही का अभिलेख, रुमनदेही का अभिलेख, और तो इस प्रकार से उसने जनता को एक प्यार देने के लिए शिलाओं और पत्थरों पर अवलेख खुदवाए, और उन पर अपनी राजाज्ञाएं लिखवा दी थी कि राजा को तभी सुख मिलेगा जब प्रजा सुखी रहेगी। प्रथम शिलालेख, सातवें शिलालेख में वो बताता है कि वो जीवों को सबसे ज़्यादा दान देना चाहता था। उसने सबसे ज़्यादा अपने अभिलेखों के माध्यम से बताया है कि इस मृत्युलोक से परलोक में जाने के लिए व्यक्ति को तभी पश्चाताप मिलेगा, या उसकी जो पाप हैं वो उनसे तभी वो मुक्त हो सकता है जब वो सेवा भाव के कार्य करेगा। उसने अपने जीवन में एक युद्ध के बाद कोई युद्ध नहीं लड़ा, और उस प्रकार से अभिलेखों के माध्यम से शिक्षा दी। उसने कहा कि हमें अपने जो सबसे जो माता पिता हैं, माता पिता
की सबसे बड़ी सेवा करनी चाहिए कि हम उनसे उनके उससे ऊर्ण नहीं हो सकते हैं। दूसरा गुरु के बारे में सुने बहुत वक्त गुरु के। तीसरा उसने जो शिक्षालय हैं, शिक्षालय, सड़कों की व्यवस्था, छायादार वृक्ष, और यानी जो भी कार्य हैं उनको पूरी तरह से सजोए रखता था और उनको एक माध्यम से शिक्षा देने के माध्यम से उसने संपूर्ण भारत को अपने एक केंद्र बिंदु में स्थापित कर लिया था। जनता को ये लगने लगा कि जीवन में सबसे जो सुखी व्यक्ति जो माना जाएगा वो दूसरों के लिए जो सेवा निस्वार्थ देगा वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। उसने इस चीज़ को पहले विकल्प के रूप में रखा और उसने जो अपने प्रतिवेदक नियुक्त किए, महापात्र नियुक्त किए, देखिए उसका जो मेन उद्देश्य था वो जनता को सुखी रखना था। राजा का जो महान कर्तव्य होता है उसने बताया था कि जनता को जितने से ज़्यादा सुखी किया जाएगा उसी में राजा का भलाई भला होगा। तो इस प्रकार से उसने अपने शासन में महापात्रों की नियुक्ति की जो कि धर्म से संबंधित होते थे, और इसमें आमात्यों की नियुक्ति की, आमात्य। दूसरे उसने प्रतिवेदक नियुक्त किए, प्रतिवेदक, और इस प्रकार से उसका जो झुकाव था वो बौद्ध धर्म की तरफ था। बौद्ध धर्म यानी वो बौद्ध धर्म को सबसे ज़्यादा मानता था क्योंकि उसके भाई सुसीम के पुत्र उपगुप्त उसने अपने भाई के जो भाई सुसीम था उसके बाद उसने जो है उपगुप्त से शिक्षा ली। एक बार निग्रोध वो एक कमंडल लेके जा रहा था तो जब अशोक ने देखा तो उसका जो मन था उद्रवित हो गया और उसने भी बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। यानी वैसे तो सभी धर्मों को मानता था लेकिन बौद्ध धर्म में उसकी सबसे ज़्यादा रुचि थी। उसका एक मेन कारण ये भी दिखाई देता है कि नेपाल में लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था तो वहाँ पर जो अभिलेख है, निगलिवा अभिलेख है, वहाँ पर उसने जो टैक्स था वो 1/8 कर दिया था, यानी घटाकर 1/8 कर दिया था, क्योंकि वो जानता था इसके लिए कि जिससे कि बौद्धों के अंतर्गत सबसे उसने अपने पुत्र अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और संगमित्रा विदेशों में भेजा था, यानी जापान, श्रीलंका, कंबोडिया, कोरिया, दक्षिण उत्तरी कोरिया, इनमें उन्होंने अपने प्रचारक, धर्म प्रचारक नेपाल, श्रीलंका, जम्मू कश्मीर में भेजे जिससे कि उसका जो धर्म के बारे में एक उच्च प्रकाष्ठा प्रस्थापित हो। तो इस प्रकार से जो अशोक जो साम्राज्य था, मौर्य साम्राज्य था, एक महत्वपूर्ण साम्राज्य के रूप में जाना जाता है। अब अशोक की मैंने ये सारी बातें बताई, अब मैं आपके लिए अशोक के प्रशासन के बारे में बात, प्रशासन क्या था, प्रशासन किस प्रकार का था। देखिए प्रशासन एक महत्वपूर्ण होता है, एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी देश के लिए, किसी भी राज्य के लिए उसका एक महत्वपूर्ण होता है कि प्रशासन किस प्रकार से चलना चाहिए। तो प्रशासन को उसने कई भागों में बांटा, जैसे केंद्रीय प्रशासन, इसमें सेंट्रलाइजेशन के रूप में होता है केंद्रीय प्रशासन, और इसमें सम्राट का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है, सम्राट। इसके बाद फिर वजीर होता है जिसे आमात्य के रूप में जाना जाता है, आमात्य के रूप में। दूसरा प्रांतीय प्रशासन यानी जो आमात होते थे जहाँ पर शासन करते थे, और इसके बाद फिर जिला प्रशासन, इसके बाद ग्राम प्रशासन,
नगरीय प्रशासन इसके बाद ग्राम प्रशासन इसके बाद पुलिस प्रशासन न्याय प्रशासन यानी न्यायिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उसने राजुक नियुक्त किए। राजुक जो होते थे वो एक प्रकार से न्यायाधीश होते थे। न्यायाधीश और महापात्र नियुक्त किए, प्रतिवेदक नियुक्त किए जो शासन व्यवस्था को देखते थे। और इस प्रकार से जो न्यायिक प्रशासन था प्लस प्रशासन यानी केंद्र के अंतर्गत जो सम्राट होता था उसका मेन स्थान होता था। कई प्रकार के न्यायालय थे, एक जो स्थानीय न्यायालय संग्रहण न्यायालय और जो सबसे बड़ा जो न्यायाधीश होता था और कंठक शोधन न्यायालय और दीवानी न्यायालय और जो विभाग होते थे एक प्रशासता होता था प्रशासता और रूपदर्शक न्याय होते थे रूपदर्शक और प्रतिष्ठा न्यायाधीश के रूप में होता था ये और एक वाणिज्य से संबंधित होता था वाणिज्य। तो ये जो सारे जो प्रशासनिक व्यवस्था थे ये मौर्य काल में थे यानी अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य प्रशासन एक सबसे उच्च रूप से माना जाता है। भारत में जो प्रशासनिक व्यवस्था के क्षेत्र में भारत आज मौर्य साम्राज्य का ऋणी है यानी जो आज वर्तमान में जो हमारी प्रशासनिक व्यवस्था जो चल रही है वो मौर्य वंश से काफ़ी एडॉप्ट की गई है यानी मौर्य वंश जो आज जो हम ये जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जो होते हैं ये मौर्य काल से प्रारंभ होते हैं। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र ये मौर्य काल से प्रारंभ होते हैं ये मौर्य काल में थे और ये वहाँ पर 5 समितियाँ होती थीं जो मौर्य काल में समितियाँ होती थीं जो विक्रय समिति होती थी जो समितियाँ होती थीं समितियाँ नंबर 1 बिक्री कर समिति बिक्री कर समिति कर समिति नंबर 2 विदेश विदेशी समिति जन्म मृत्यु से संबंधित समिति से संबंधित समिति कर समिति तो इस प्रकार से मौर्यकालीन जो व्यवस्था थी वो उच्च स्तरीय थी यानी जो राजा था उसका महत्वपूर्ण स्थान होता था। प्रांत में जो प्रांत होते थे वो
जो गवर्नर होते थे, जो आज हम जो गवर्नर का जो पद है जिसे राज्यपाल बोलते हैं, वो उस समय का पद था। गवर्नर वो प्रांतों की पूरी तरह से देखभाल करता था, यानी प्रांतों का सर्वे सर्वा होता था। जिला जैसे डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उसी प्रकार से उस समय भी जो न्याय वो होते थे, जो जिला के प्रशासक होते थे, एडमिनिस्ट्रेटर होते थे, वो जिला को संभालते थे। नगरों का प्रशासन, नगरों में भी पूर्ण रूप से व्यवस्था थी, यानी नगर का शासन नगराधीश होता था जो उसे चलाता था। गांव का जो ग्राम प्रधान के आधार पर होता था वो शासन चलाता था, यानी पुलिस व्यवस्था थी उस समय। पुलिस को रक्षिन कहा गया, रक्षिन यानी रक्षिन उस समय पुलिस को कहा जाता था। पुलिस व्यवस्था उस समय थी, और न्यायिक प्रशासन मौर्यकाल में सबसे महत्वपूर्ण था। मौर्यकाल की एक और विशेषता थी कि जो सेल टैक्स जो बिक्री कर है, अगर जो व्यक्ति बिक्री कर नहीं देता था उसको कैपिटल पनिशमेंट दिया जाता है, मृत्यु दंड दिया जाता था। ये मौर्यकाल के अंतर्गत था। मौर्यकाल में कर की सबसे पहले प्रणाली प्रारंभ हुई। आज भारत में वर्तमान में 1860 ईस्वी में टैक्स प्रणाली प्रारंभ हुई थी, टैक्स। लेकिन भारत ने इसको जो एडॉप्ट किया था वो मौर्यकाल से एडॉप्ट किया था, यानी मौर्यकाल उसका जनक था। मौर्यकाल भारत में विल्सन ने इसको प्रारंभ किया था। जो विल्सन था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक कर्मचारी था, उसने भारत में 1860 ईस्वी में टैक्स प्रणाली को भारत में लाया था। तो इसको उसने मौर्यकाल से अडॉप्ट किया था। तो मौर्यकाल के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। मौर्यकाल में जो इसकी जानने के जो स्रोत माने जाते हैं, मैंने आपको बताया था मेगास्थनीज की इंडिका। जो मेगास्थनीज था वो मैंने पहले बताया कि वो सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस ने जो भारत पर आक्रमण किया था, उस समय भारत को नहीं जीत पाया था, क्योंकि उस समय भारत में एक महत्वपूर्ण शासक सम्राट शासन कर रहा था जिसका नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य ने उसके सभी उसके नाकाम कर दिया था, सारी व्यवस्थाओं को नाकाम कर दिया और उसको संधि करने के लिए मजबूर कर दिया था। सेल्यूकस को इस में अपनी पुत्री की शादी करनी पड़ी चंद्रगुप्त मौर्य से, और उसे 5 प्रांत दहेज में देने पड़े। और उसने इतना ही नहीं, अपने जो राजदूत था, जो जिसका नाम था मेगास्थनीज, उसको भारत भेजा, और वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 5 वर्ष रहा, और उसने अपनी पुस्तक इंडिका में वो पूरी तरह से उसने लिखा। तो इस प्रकार से इस मौर्य पीरियड के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी के साथ साथ एक चीज़ और बताऊंगा मैं कि 600 ईसा पूर्व, इससे पूर्व जो था 600 BC में, वो महाजनपदों का उदय हुआ। महाजनपद ये 16 महाजनपद थे। ये अगुत्तर निकाय में इनका वर्णन आया, अगुत्तर निकाय में महाजनपदों का वर्णन है। महाजनपदों का वर्णन है। 16 महाजनपदों में जो मगध था वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था। 16 महाजनपदों में जो मगध का नाम आता है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था। जो मगध था ये उत्तर भारत में, ये बिहार में, जो बिहार है आज वर्तमान में, जो वहाँ बिहार की राजधानी जो पटना है, पटना को मगध कहते थे। मगध की स्थापना राजा उदयन ने की थी, ये बिफोर क्राइस्ट में BC में की थी, और इसको पाटलिपुत्र कहा जाता है। पाटलिपुत्र इसलिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है कि प्राचीन काल से ही ये
राजाओं की राजधानी के रूप में अवतरित हुई है। भाई जी हो गया था।